अभी आ रही है दिवाली की छुट्टी, क्लासेस होंगी बंद कुछ दिनों की। बैकलॉग कवर करने का सबसे अनमोल समय आपको मिलने वाला। अब या तो इस समय में बेटा अपने आप से एकदम ऑनेस्ट हो जाना, एकदम लॉयल हो जाना, 6-7 दिन का कम से कम आपको अच्छा ब्रेक मिलेगा। अब ये दिवाली की छुट्टियां जो पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, आपको पता है ये 7 दिन अगर आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिलते तो आप जैसे परफॉर्म करते ना, वैसे ही इन 7 दिन को यूटिलाइज कर। जब एग्जाम से पहले 7 दिन बचते हैं तो जिस इंटेंसिटी से आप पढ़ते हो, जिस गंभीरता से आप पढ़ते हो, जिस डिसिप्लिन से आप पढ़ते हो, उसी डिसिप्लिन से इन 7 दिन में अपना बैकलॉग कवर करना। और इसके बाद इससे ये सवाल मत पूछना कि तो क्या सर मैं दिवाली ना मनाऊं, दोनों हाथ में आपको लड्डू चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊं। ठीक, ये आपने चूज किया, मैंने आपको नहीं बोला था, ये आपकी चॉइस। अगर आप मुझसे आके पूछते सर मैं कैसे इंजॉय करूं, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कहूंगा आप दिवाली में खूब खुश रहें। आप मुझसे बोलो कि सर मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं बोलूंगा पढ़ लो। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास। मैं बोल रहा हूँ 7 दिन दिवाली छुट्टी मिलेगी, उसमें जम के पढ़ना है। बच्चे बोलेंगे सर दिवाली भी तो मनानी है, तो साल में एक ही बार तो दिवाली आती है। बिल्कुल सही बात, जिंदगी में एक बार ये एग्जाम दिया है, सच बात। चॉइसेस यू, जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको असल में सुख दे, जो करके आपको अंदर से गिल्ट ना हो, वो बेटा कर लेना। अगर दिवाली मना के आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, अंदर से गिल्ट नहीं होता, तो बिल्कुल मनानी चाहिए। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सब बहुत छोटी बात है। लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, और जो भी चीज जिंदगी में हो रही है वो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार। दिवाली जिंदगी में बार बार आएगी, पर 2023 की दिवाली जीवन में सिर्फ एक। तो जो भी चीज जीवन में हो रही है वो एक ही बार होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फैसला आपका है, मुझसे आप जो मांगोगे मैं आपको वो बता दूंगा कि उसको कैसे हासिल करें। आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मुझे ये 22 लाख की भीड़ में से निकल के टॉप 40,000 में किसी तरह जाना है, तो मैं बोलूंगा कड़ी मेहनत लगेगी। आप बोलोगे नहीं सर मुझे दिवाली सेलिब्रेट करनी है, मुझे दिवाली में वो खुशियां चाहिए सर, मुझे खुशी मिलते हैं, बोलूंगा बिल्कुल बेटा दिवाली सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे सेलिब्रेट करिए, बहुत अच्छा पर्व है दिवाली का आपको कर। पर आप बोलोगे नहीं सर मेरी 5 उंगलियां घी में हो, तो मैं बोलूंगा बेटा जो सबका होता है ना बेटा, वो किसी का नहीं होगा। किसी चीज से अगर आपको डर लग रहा हो तो उसको हटाने का तरीका क्या है? अगर आपको युद्ध से डर लग रहा है तो हटाने का तरीका क्या है? और ताकतवर बनाओ, अपनी तैयारी और अच्छी करो, तो आपको डर नहीं लगेगा। याद करो स्कूल का समय, अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती थी तो एग्जाम में जाते वक्त आपको डर कम लगता था, किसी में तैयारी कमजोर होती थी तो एग्जाम में डर ज्यादा लगता था। डर बेटा एक आउटकम है, डर एक आउटपुट है, एक आउटकम है, आपने जो किया उसका आउटकम है डर। एक डर उसको भी लगेगा जिसे लग रहा होगा सर मेरे 710 आएंगे कि मेरे 690, वो डर अच्छा है। एक उसको भी डर हुआ कि मेरे 710 आएंगे कि 690। डर को हटाने का तरीका क्या है? डर को हटाने का तरीका ये भी आपको मिलेगी दिवाली हॉलीडेज, उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेना। आप अकेले बैठ के रोए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, लास्ट में आप सिलेक्ट नहीं हुए, लोग आपसे क्या पूछेंगे? ये कहेंगे किया ही क्या तुमने भाई, करी क्या लिया तुमने आज तक, यही पूछेंगे ना। आज भी आपके पिताजी या हो सकता आपके पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके पास होगा, आपका सबसे करीबी इंसान होता है, वो आपसे आके यही बोल देता है आज तक तुमने किया ही क्या है। बेटा अभी आप उसको जवाब मत दीजिए, तब शांत हो जाइए, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब जवाब देंगे। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। उनसे बोल दीजिएगा कि आपका तो अभी सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा। अपने अंदर की आग को अपने अंदर दबा के रखो। और मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपको बदला नहीं लेना है, पर बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररिलेवेंट हो जाए, वो लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, वो लोग आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर ना करें। बदला लेने का सबसे आसान, रिवेंज लेने का सबसे आसान और सबसे यूजलेस तरीका है लोगों को जलाना। यदि जीवन में आप बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाए, यदि आप वो चीज नहीं कर पाए जो आप दिल से चाहते थे, तो उसका ब्लेम किसी और पे मत दीजिएगा, अपने ऊपर रखिएगा। ब्रेव होते हैं वो लोग जो असल में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, मेरी ही कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। और इसको भगवान का फैसला माना करिए, ये माना करिए कि भगवान का ये फैसला है, ऊपर कोई भी एक ताकत है जिसका ये फैसला है। पर उससे डिप्रेस नहीं होना है, जिंदा होने का एक ही तो मतलब है, लगातार कमबैक करते रहे। तो मुझे बहुत डर लगता है जैसे कि फ्रेंड्स बनाने में और बातें करने में, फ्रेंड्स बनाने में डर लगता है, और जैसे कि